नमस्कार प्रिय दोस्तों, प्रिय छात्रों, आज अपने बात करें लेसन नंबर 24 का, जिसका नाम है राजस्थान खनिज उद्योग। खनिज अपने कर चुके और अब बात करते हैं उद्योगों की। उद्योगों में सबसे पहला बात आती है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है, कुछ कंडीशन होती हैं जो उनके एरिया में ही स्थापित किया जाता है, कच्चा माल स्थापित होता हो या जलवायु नम जलवायु हो, उन स्थानों पर लागू किए जा सकते हैं, खोले जा सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का तो प्राचीन उद्योग, भारत का भी प्राचीन उद्योग और राजस्थान का भी प्राचीन उद्योग ध्यान रखना। राज्य में जो पहली मिल जो खोली गई थी वो ध्यान रखना ब्यावर के अंदर खोली गई थी। कहाँ पर खोली गई थी? ब्यावर के अंदर 1879 में सेठ दामोदर व्यास द्वारा। ये ध्यान रखना सेठ दामोदर व्यास जो है उनका इम्पोर्टेंट पर्सन में आता है, ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे पहली मिल जो कब खोली गई थी 1879 में, 89 में सॉरी, और 1879 के अंदर सेठ दामोदर व्यास के द्वारा। कौन सी मिल खोली गई थी? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से खोली गई थी। कौन सी खोली गई थी? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से खोली गई थी, ध्यान रखना के नाम से स्थापित की गई। दूसरी व तीसरी मिल जो है वो भी ब्यावर के अंदर ही, ब्यावर में ही खोली गई थी, एडवर्स मिल्स और द लक्ष्मी महालक्ष्मी मिल्स। एडवर्ड्स मिल्स और महालक्ष्मी मिल्स भी जो है ये ब्यावर के अंदर स्थापित की गई थी। ब्यावर में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक का जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो है उपलब्ध है। इस उद्योग का विकास हुआ है काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर नम जल हुई है, इस तरह कच्चा माल है, इस तरह जनसंख्या है, सब कुछ है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा। 1938, 1942 और 1946 में, 1938 में भीलवाड़ा के अंदर, 1942 में पाली के अंदर और 1946 के अंदर श्रीगंगानगर के अंदर शार्दुल टेक्सटाइल मिल के नाम से स्थापित की गई थी। जैसे मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पर? भीलवाड़ा में। महाराजा उमेर सिंह मिल कहाँ पर है? पाली के अंदर। और शार्दुल टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है? श्रीगंगानगर के अंदर स्थापित की गई। ये तीन मिलें स्थापित की गई। तीसरी योजना, तीसरी योजना का मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? देखो पहली तो हुई थी 1951 से 1956, दूसरी थी 1956 से 1961 और जो तीसरी हुई थी 1961 से 1966। तो कहने का मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में जो है तीसरी पंचवर्षीय अंत तक बढ़कर ये मिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 46 हो गई थी। इससे पहले देखो 1951 में बाद में कुल राजस्थान के अंदर सिर्फ 1951 में राजस्थान में कितनी मिल थी? 5 मिल थी, परंतु तीसरी पंचवर्षीय 1961-66 के अंदर ये बढ़कर कितनी हो गई? 16 हो गई। और वर्तमान में जो इनकी संख्या जो है मिलों की संख्या कितनी है? 40 है। कितनी है? 40 संख्या है, जिनमें से 36 तो निजी क्षेत्र में स्थापित है और 3 सार्वजनिक क्षेत्र में और 1 सहकारी क्षेत्र में स्थापित है, ध्यान रखना। राजस्थान की जो सबसे बड़ी मिल, जो सूती वस्त्र मिल जो है वो कौन सी है? महाराजा उमेर सिंह मिल्स है। महाराजा उमेर सिंह मिल, आपने देखो महाराजा उमेर सिंह मिल कहाँ पर? पाली के अंदर स्थापित है। तो सबसे मिल बड़ी कहाँ पर है? महाराजा उमेर सिंह मिल कहाँ पर है? पाली के अंदर है। दूसरी बात करते हैं भीलवाड़ा, क्योंकि भीलवाड़ा को वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है मेल से उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। कुछ जो बात राजस्थान में जो है स्थानीयकरण के कारण, अब स्थानीयकरण के कारण जो कौन कौन से होते हैं, इसमें एक तो होता है कच्चा माल। कहने का मतलब सूती वस्त्र उत्पादन करने के लिए, उद्योग खोलने के लिए क्या सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? कच्चे माल की। उसमें क्या होता है? कपास, कपास की आवश्यकता होती है। नंबर दो होता है शक्ति, शक्ति यानी विद्युत की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं परिवहन की। चौथी बात करते हैं जलवायु की। अब जलवायु कौन सी होनी चाहिए? नम जलवायु। पांचवी जो बात करते हैं वो है बाजार।
छठी बात करते हैं श्रमिक। अब श्रमिक कैसे होने चाहिए? सस्ते होने चाहिए, सस्ते श्रमिक होने चाहिए, ध्यान रखना। तो ये जो पे है कच्चे माल इनके लिए होने चाहिए। अब राजस्थान के अंदर कहां कहां पर है? राजस्थान में जो है उद्योग जिले, कहने मतलब कहां कहां पर है? देखो जयपुर के अंदर भी सूती वस्त्र मिल्स है, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, इन जो जिलों के अंदर कुछ ज्यादा फेमस है तो यहाँ पर ये सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। धन्यवाद। अगला टॉपिक कल बात करेंगे।